इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं पाइरोलाइसिस प्रोसेस के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं, पहले हम समझेंगे इसकी डेफिनेशन। सो पाइरोलाइसिस इज अ थर्मल ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर हीटेड इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स। जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जैसे कि घर के अंदर जो भी कचरा निकलता है, ठीक है ना, आपने जो सब्जियां वगैरह बनाई तो उसके छिलके वगैरह हो गए, फिर लकड़ी का कुछ सामान हो गया, वो सब क्या है, एक तरीके का ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। तो होता क्या है, अभी हम लोग क्या करते हैं, उसको सीधे फेंक देते हैं डिकम्पोज होने के लिए। तो क्यों ना उसका हम पहले यूज़ कर लें, कि उसका यूज करके कुछ हम यूजफुल प्रोडक्ट्स बना लें, ठीक है ना। तो यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने का एक तरीका है पाइरोलाइसिस। इसमें होता क्या है, इस ऑर्गेनिक वेस्ट को, यानी कि इस ऑर्गेनिक कार्बनिक मटेरियल को जलाया जाता है, ठीक है ना, किसमें, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या किया जाएगा, उसको जलाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद उससे क्या होगा, बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, हमारे काम के प्रोडक्ट्स हमको मिलेंगे, उनका हम यूज करेंगे। जो बाकी जो मटेरियल बचेगा उसको हम फिर क्या करेंगे, डिकम्पोज करने के लिए कहीं हम लैंडफिल कर देंगे, किसी गड्ढे में इकट्ठा कर देंगे, ठीक है। तो ये है इसकी डेफिनेशन। इसमें होता क्या है, ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इंटू स्मॉलर वंस थ्रू अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब ऐसा किया जाता है तो बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि उनको इस नेचर में, ठीक है ना, कुल मिला के इस पृथ्वी को कम नुकसान पहुंचाते हैं, ओके। सो द प्रोसेस टेक प्लेस इन अ क्लोज सिस्टम प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ एयर टू प्रिवेंट कंबसन, ठीक है। यानी कि ये जो सिस्टम बना होता है ना, इसमें एयर की पूरी तरीके से क्लोज होता है, जिससे कि इसमें एयर की एंट्री ना हो पाए, ओके। तो ये थोड़ा डेफिनेशन एंड प्रोसेस के बारे में हमने बता दिया, एक जनरल यूजर को जितना पता होना चाहिए। अब हम समझते हैं ये होता कितने तरीके का है। ये तीन तरीके का होता है, स्लो, फास्ट एंड फ्लैश। स्लो में क्या होता है ये समझ लो, इट टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर मतलब 20 डिग्री नहीं होता है, ठीक है ना। लो टेम्परेचर मीन्स 450 से 550 डिग्री के आसपास जब हम तापमान में ऐसा करेंगे तो वो हम बोलेंगे स्लो पायरोलिसिस, ठीक है ना। एंड प्रोड्यूस बायोचार विच इज द कार्बन रिच मटीरियल यूज फॉर सोयल इम्प्रूवमेंट। जब ऐसा किया जाएगा, उस जो हमारे कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर होगा, ठीक है, ऑर्गेनिक मटीरियल होगा, उसको इतने तापमान में अगर गर्म किया जाएगा तो क्या मिलने वाला है, बायोचार, ठीक है ना। उसको यूज कर सकते हैं मिट्टी को, उसकी जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। इसके बारे में आगे हम समझाने वाले हैं। दूसरा होता है फास्ट। ये क्या होता है, ये हाई टेम्परेचर में इसको यूज किया जाता है। सो इट टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर अराउंड 500 टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड। जब फास्ट पायरोलाइसिस किया जाता है तो बायो ऑयल मिल सकता है, सिंगैस मिल सकती है, ठीक है ना, या फिर चार मिल सकता है, एक तरीके का जो कोयला होता है ना उसे हम चार बोल सकते हैं। इनके बारे में भी हम बताने वाला है। तीसरे होते हैं फ्लैश पायरोलाइसिस। ये होता तो फास्ट पायरोलाइसिस की तरह है, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर और हाई कर दिया जाता है। इट इज सिमिलर टू फास्ट पायरोलाइसिस बट अकर्स एट हाई टेम्परेचर अराउंड 1000 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हायर हीटिंग रेट। जो हीटिंग का रेट होता है काफी फास्ट होता है, बड़ी तेजी से इतना टेम्परेचर पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, ये जो सिन गैस है, जो फास्ट इसमें क्या बोल रहे हैं कि फास्ट पायरोलाइसिस से जो सिंथेटिक गैस थी वो जो रिलीज हो रही थी, इसमें और ज्यादा मिलती है, ठीक है ना। और जो बायो ऑयल है जो यहाँ पर भी मिल रहा है, इसकी मात्रा कम हो जाती है। तो ये तीन तरीके का है, स्लो, फास्ट एंड फ्लैश पाइरोलाइसिस। आगे समझते हैं, आप जो भी प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, पहला बायोचार, ठीक है ना। तो ये देख रहे हो ना, एकदम काला काला, एकदम महीन महीन बुरादा टाइप जो निकल के आ रहा है, इसे ही बोलते हैं बायोचार। इसको क्या कर सकते हो, मिट्टी में मिला सकते हो, जिससे कि मिट्टी की जो केमिकल कंपोजिशन है वो बदल सकता है और जो फर्टिलिटी होती है मिट्टी की वो बढ़ सकती है। सो बायोचार इज अ कार्बन रिच मटेरियल। तो कार्बन रिच मटेरियल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कार्बन स्टोर होगी, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में ये मदद कर रहा है, ठीक है ना। एंड यूज्ड फॉर सॉइल अमेंडमेंट, ठीक है ना, मिट्टी को भी जो उसकी केमिकल कंपोजिशन है उसको बदला जा सकता है। दूसरा होता है बायो ऑयल। ये एक तरीके का लिक्विड प्रोडक्ट होता है, जिसको और अगर रिफाइन किया जाए, ठीक है ना, तो उससे केमिकल्स बनाए जा सकते हैं और बायोफ्यूल्स भी बनाए जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, बायो ऑयल। तीसरा है सिंगैस, ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है, क्या, सिंगैस। इसका यूज किया जा सकता है एनर्जी प्रोडक्शन में। चौथा होता है चार, अ सॉलिड मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल और कार्बन सोर्स।
ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना, जो कोयला है इसको आप यूज कर सकते हो, जला सकते हो, ठीक है। तो एज ए कार्बन सोर्स या फिर एज ए फ्यूल इसका यूज किया जा सकता है। तो ये जो प्रोडक्ट थे वो मैंने डिस्कस कर लिए, आगे समझते हैं, एप्लीकेशन समझ लेते हैं, ठीक है ना। सो बायोचार कैन इम्प्रूव सॉयल फर्टिलिटी, फर्टिलिटी, ठीक है ना, जो मृदा का, जो मिट्टी का उपजाऊपन है वो बढ़ा सकता है, क्योंकि वही कहते हैं ना, इसमें क्या स्टोर रहता है, कार्बन स्टोर रहता है, तो वो अब कार्बन कहाँ, वापस मिट्टी मिल जाएगा, तो क्या होगा, जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो कम होगा, और कार्बन, ठीक है ना, आपको पता है बायोचार में कार्बन तो स्टोर होता ही है। दूसरा, बायो ऑयल की बात करें, इसको रिफाइन किया जाए तो ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल यानी गाड़ियों में यूज करने वाला ईंधन बनाया जा सकता है, ठीक है ना, और यूज एज ए फीड स्टॉक फॉर द केमिकल प्रोडक्शन, ठीक है ना, बायो ऑयल से केमिकल्स भी बनाए जा सकते हैं। तीसरा, सिनगैस, इसको एनर्जी प्रोडक्शन में यूज किया जा सकता है। चौथा, चार, इसको एज ए फ्यूल और कार्बन सोर्स के रूप में यूज किया जा सकता है स्टील इंडस्ट्री या किसी और इंडस्ट्री में, ठीक है ना। वैसे जो प्रीवियस स्लाइड थी वहां भी मैंने ये सब बातें डिस्कस की थी, लेकिन इसको मैंने अलग, कहते हैं ना, हेडिंग में इसको मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आगे समझते हैं इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, जो भी वेस्ट मटेरियल थे जो ऐसे ही फेंके जाने थे, ठीक है ना, जो पृथ्वी है उसको बायोडिग्रेड कर देती, ठीक है, जैव निम्नीकरण कर देती, तो इससे क्या हुआ कि हम डिग्रेड होने से पहले कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है। साथ में उनसे बहुत सारी गैसेस निकलती, ठीक है ना, उसकी जो गैस निकलने की, जो ग्रीन हाउस जो गैसेस निकली उसकी मात्रा कम की जा सकती है। साथ में इससे आप देख ही रहे हो बहुत सारे फ्यूल्स भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना, चार वगैरह, कोयला वगैरह है, या फिर जो और भी जो गैसेस वगैरह थी, ठीक है ना, लिक्विड वगैरह थे जहाँ से बायोफ्यूल बनाया जा सकता है। तो जो फॉसिल फ्यूल है उस पर डिपेंडेंसी कम की जा सकती है, जीवाश्म ईंधन पर, ठीक है। तो ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या हो गया कि इस पूरे सेटअप में पैसा काफ़ी खर्च होगा, तो हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, यानी इसको अगर एक प्लांट लगाना पड़ जाए तो बहुत पैसा लगने वाला है, ठीक है। सम पाइरोलाइसिस प्रोसेस कैन इमिट पॉल्यूटेंट्स एंड ग्रीन हाउस गैसेस, ओके। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी पॉल्यूटेंट को इमिट नहीं करते हैं, यहाँ से भी प्रदूषक सामने आ सकते हैं, पॉल्यूटेंट सामने आ सकते हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस भी रिलीज हो सकती हैं। तो ये क्या है, पाइरोलाइसिस का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ओके।